जंगलों से बस्तियों में जो तेंदुए घुस आते हैं उनको पकड़ने में आप काफी आसानी होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण विभाग ने अब ऐसी पोशाक को बनाया है जिसे पहनकर तेंदुओं को आप आसानी से पकड़ सकते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालकर पकड़ा जा सकता है। क्या है पूरा मामला दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। वन्य जीव विभाग ने एक ऐसा सूट तैयार किया है जिसे पहनकर तेंदुए और अन्य आदमखोर वन्य जीवों को बिना किसी खतरे के आसानी से पकड़ा जा सकेगा। आपको बता दें कि इस सूट को रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रेस नाम दिया गया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे तेंदुआ इस रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रेस पहने इंसान पर झपट रहा है, लेकिन तेंदुआ अपनी इस कोशिश में पूरी तरह से नाकाम हो रहा है और इसका कारण है सिर्फ ये अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रेस। आपको बता दें कि विशेष सूट लोहे, प्लास्टिक और शीशे से बना हुआ है। इस सूट में लगे हेलमेट के साथ साथ ये सूट सर से लेकर पांव तक सुरक्षित है। वन्यजीव कर्मचारी ने बताया कि तेंदुए ने किस प्रकार उस पर हमला किया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। कर्मचारी का कहना था कि ये सूट इतना प्रभावी है कि तेंदुए के हमला करने से खुद तेंदुए के ही दांतों को लग गई। साथ ही उसका कहना था कि ये बढ़िया ड्रेस है जिसमें कोई खतरा नहीं है। राज्य में श्रीनगर, राजौरी, पूंछ और सांबा सहित कई रिहायशी क्षेत्रों में तेंदुओं के घुसाने की घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती हैं, जहां पर कई गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं तो कई मासूम लोगों की जानें भी चली जाती हैं। लेकिन इस वन्य जीव संरक्षण विभाग द्वारा बनाई गई इस खास रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रेस से इन खूंखार आदमखोर तेंदुओं को बिना किसी खतरे के पकड़ा जा सकेगा, जिससे गांव और बस्तियों में रह रहे लोगों की आदमखोर जानवरों के आतंक के साए में अब नहीं रहना पड़ेगा। जम्मू से विजय कुमार की रिपोर्ट। ऊपर अटैक किया ऐसे कि वो मुझे सीधे उधर छाती पर खाने के लिए आया था और मुझे जरा भी महसूस नहीं हुआ कि उसने मुझे इधर कुछ किया कि नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक है जो ड्रेस बनाई है, ठीक ठाक है, सख्त है। उसे मारा भी वो थोड़ा सा इधर, मगर मैंने तब तक हाथ से ऐसे दे दिया, उसको अपने दांतों को शायद लगी होगी, वो उधर से भाग गया वापस। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत,